जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रही हूँ कि अगर आप उसे सच्चे मन से करते हैं तो हनुमान जी भी आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। भले ही हम हनुमान जी को अपनी आंखों से ना देख पाएं, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हनुमान जी इस दुनिया में एक जागृत देवता हैं और अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो वो मंत्र कौन सा है, ये जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि आप भी हमारे सनातन परिवार का हिस्सा बन सकें। और हाँ दोस्तों, हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर इस मंत्र की बात करें तो ये मंत्र खुद हनुमान जी ने कुछ आदिवासियों को बताया था, और ऐसा माना जाता है कि आज भी हनुमान जी पृथ्वी पर हिमालय के जंगलों में वास करते हैं। और जब भी हनुमान जी को याद किया जाता है तो अपने भक्तों की मदद करने के लिए वो हमेशा आते हैं। अगर आप इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो हनुमान जी आपको साक्षात दर्शन देंगे, और अगर आप उन्हें देख नहीं पाएंगे तो आप उन्हें महसूस अवश्य कर पाएंगे। पर दोस्तों, इस मंत्र के साथ कुछ नियम हैं। अगर आप उन नियमों को कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़े से कठिन हैं, तो अगर आप उन नियमों को ढंग से कर लेते हैं तो हनुमान जी आपको ज़रूर दर्शन देंगे। तो दोस्तों, उस नियम को जानने से पहले हम उन दो शर्तों की बात कर लेते हैं, दो नियमों का बात कर लेते हैं जो हमें इस मंत्र से पहले याद रखनी है। सबसे पहली बात ये है कि आपको अपने मन से हनुमान जी के साथ जोड़ना है, यानी अपनी आत्मा को हनुमान जी के साथ जोड़ लेना है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप मंत्र का जाप करें तो कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो पहली शर्त को पूरा ना करता हो, यानी कि जिसे भगवान में विश्वास ना हो। आपको ये मंत्र अकेले में बैठकर करना है, यानी कि जब आप इस मंत्र का जाप करें तो आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव माहौल होना चाहिए। अगर आप इन दोनों नियमों को पूरा करते हैं तो हनुमान जी आपको दर्शन अवश्य देंगे, और अगर दर्शन भी नहीं हो पाए तो आप महसूस जरूर करेंगे कि हनुमान जी आपके आसपास ही हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वो मंत्र कौन सा है। तो दोस्तों, मंत्र बताने से पहले मैं एक बात और बता देती हूँ कि आप किसी भी मंत्र का जाप करें, आपके अंदर विश्वास जरूर होना चाहिए। यही मंत्र नहीं, कोई भी मंत्र, अगर आपके अंदर उस चीज़ को लेकर विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, आपका कोई काम पूरा नहीं होगा। इसलिए इस मंत्र का जब भी आप जाप करें तो पूरे विश्वास के साथ आप इसका जाप करें। तो दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार से है। काल तंतु कारे चरंती एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर काले त्वम अमरिष्णु। दोस्तों, अगर आप इस मंत्र का जाप 11 से 21 बार रोजाना करते हैं तो आपको साक्षात हनुमान जी के दर्शन अवश्य होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि विश्वास इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है, आपको विश्वास रखना है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।